हाय फ्रेंड्स, नीलेश संगीत और व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। यदि ऐसी टेक्निकल वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नहीं तो आप ऐसी सरकारी योजना से अछूते रह जाएंगे। तो इस प्रकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम सेल्फ ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। कोई भी व्यक्ति ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले अपने ई श्रम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, सेल्फ वाली ishram.gov.in पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर मेरा आधार नंबर डालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें हर प्रकार की प्रोसेस होगी। अकाउंट नंबर डालेंगे, इसी प्रकार हर चीज़ की इसमें प्रोसेस दी जाएगी। यदि आपका आधार से लिंक है तो भी हो जाएगा, नहीं तो बायोमेट्रिक भी हो जाएगा, नहीं तो आईस से भी इसमें सीधा वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आप लोग देखिए, अभी मैंने जिस प्रकार OTP 120 सेकंड लगेंगे, मैंने जैसे आधार नंबर अपलोड कर दिया इस पर। अब देख सकते हैं जैसे OTP आता है, मैं OTP इसमें डालूँगा। यदि आप ई श्रम, ये मेरे पास OTP आ चुका है, OTP आने के बाद ये OTP दर्ज कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या सरकार की तरफ से अभी UP गवर्नमेंट 1,000 रुपये दे रही है, 1,000 रुपये दे रही है। इसके बाद में लोग आशा कर रहे हैं वो मिलेगा, सभी गवर्नमेंट यहाँ पर स्टार्ट करेगी। तब देखिए आधार नंबर, अब मेरे मोबाइल नंबर डाल दिया, पहले मोबाइल नंबर डाला था, अभी आधार नंबर अपलोड डाल रहे हैं। इसके बाद में अपन तो अपन देखेंगे कि कोई मिसमैच हो जाएगा तो अपने को आधार नंबर अमान्य बता देगा। ये टेक्निकल सीरीज का अपना 12वां वीडियो रहेगा, तो इसी टेक्निकल सीरीज में अपने को और भी जो सरकारी योजना से जुड़े वो अपने सेल्फ मोबाइल नंबर से अपन कर सकते हैं। कोई कैफे कैफे पे भी जाके भी आप करवा सकते हैं और अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो आप देखिए, मैं आधार नंबर कुछ मिसमैच हो रहा है, इसका थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप देखते रहिए क्योंकि आपको हर चीज़ का इसमें आइडिया हो जाएगा। अब इसमें देखिए, उंगली के द्वारा कर सकते, आईस अपने आँख के द्वारा कर सकते। यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो मोबाइल नंबर यदि आधार से रजिस्टर है तो अपन OTP द्वारा करते। तो मेरा आधार से रजिस्टर, मैं OTP द्वारा करूँगा, इसमें पूरे कैप्चा डालूँगा। देखिए आप, ये कैप्चा बिल्कुल आराम से डाले आप, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि जो बहुत। आप देखिए, अब इसके बाद अपलोड करेंगे अपन। अपने को देखना है कि आपको किस प्रकार करना है। फिर इसके बाद में बाई दबाई जैसे ही अपने ये खुला है, इसके बाद में अपना वो डालेगा इसमें बैंक का पासबुक का। तो ये आधार, ये देखिए यहाँ पहले से ई श्रम कार्ड पंजीकृत प्रोफाइल रजिस्टर है, तो इससे मतलब पहले से हुआ है। तो आप जिन लोगों का नहीं है वो लोग क्या करेंगे, इसमें आप करते रहे, हर पेज खुलेंगे 2-3, उसके बाद में अपना सभी का हो जाएगा। उसमें अपना प्रोफाइल भराएगा, क्या करते हो ये भराएगा, क्या वर्क है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।